हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही इजी डिजाइन लेके आई हूँ। ये जस्ट 6 रोज का डिजाइन है। 6 रोज आपको रिपीट करते जाना है आगे आगे। रंग साइड पे से दिखता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए 4 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और +1 +2 करना होगा। मल्टीपल ऑफ 4 +1 +2। बहुत ही इजी है डिजाइन बनाने में। इस डिजाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। कार्डिगन, स्वेटर, जेंट स्वेटर, बेबी स्वेटर, फ्रॉक, जैकेट, कैप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। इसमें मैंने 4 का मल्टीपल करके 16 +1 +2 कर लिया है। टोटल 19 कर लिया है। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, फिर 2 फंदा उल्टा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। धागा पीछे की तरफ लगे। अब एक फंदों में से सीधा फंदों एक फंदों में से 3 फंदा निकालना है। एक फंदे को नहीं छोड़ना है। फिर यहाँ ऊपर करना है इस तरह से। फिर इसी होल में डालना है इस तरह से। एक फंदों में से 3 फंदा निकालना है। फिर धागा आगे, फिर 3 फंदा उल्टा। 1 2 3। अब यही रिपीट करना है आपको। रिपीट करना है 1 2 3। ये 3 फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है। 1 फंदों में से 3 फंदा बनाना है। 1 2 3, फिर 3 फंदा उल्टा। 1 2 3। आपको यही रिपीट करना है। फिर से रिपीट करना है धागा पीछे। फिर 1 फंदों में से 3 फंदा निकालना है। एक फंदे को नहीं छोड़ना है इस तरह से। यहाँ पर करना है। फिर इसी होल में डालना है नीडल। फिर फंदे को इस तरह से निकालना है। 3 फंदा इस तरह से। 1 2 3। फिर धागा आगे, फिर 3 फंदा उल्टा। 1 2 3। फिर से रिपीट करना है धागा पीछे। फिर 1 फंदों में से 3 फंदा निकालना है। 1 यहाँ पर 2, फिर इसी होल में डालना है नीडल। 3, फिर धागा आगे और 3 फंदा उल्टा। 1 2 3। फिर धागा पीछे। फिर से रिपीट करना है। 1 फंदों में से 3 फंदा निकालना है। 1 यहाँ नंबर 2, फिर इसी होल में डालना है नीडल। 3, धागा आगे, फिर 3 फंदा उल्टा। 1 2 3। फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ सॉरी अब 2 फंदा सीधा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। 3 फंदा बुनने के बाद रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आगे की तरफ लाइए। अब 1 फंदा बिना बुने ऐसे स्लिप करना है। फिर धागे को फिर पीछे लाना है। अब 1 फंदा सीधा। फिर धागे आगे की तरफ ले आइए। फिर 1 फंदा बिना बुने ऐसे स्लिप करना है। फिर धागा पीछे। अब 3 फंदा सीधा। 1 2 3। अब यही रिपीट करना है। 1 2 3। ये 3 फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है। बिना बुने 1 फंदा से स्लिप करना है। फिर 1 फंदा सीधा। फिर बिना बुने 1 फंदे से स्लिप करना है। 3 फंदा सीधा। 1 2 3। आपको ये रिपीट करना है। फिर से रिपीट करना है। धागा आगे की तरफ लाना है। फिर 1 फंदा बिना बुने ऐसे स्लिप करना है। फिर धागे पीछे लाना है इस तरह से। अब 1 फंदा सीधा। फिर धागा आगे की तरफ लाइए। फिर 1 फंदा बिना बुने ऐसे स्लिप करना है। फिर धागा पीछे तरफ लाइए। 3 फंदा सीधा। 3। फिर से रिपीट करना है। यहाँ तक आपको 2 डिजाइन ख़त्म हुआ है यहाँ से यहाँ तक। फिर से रिपीट करना है। धागा आगे की तरफ ले आइए। 1 फंदा बिना बुने से स्लिप करना है। फिर धागे पीछे लाना है। फिर 1 फंदा सीधा बुनना है। फिर धागा आगे की तरफ ले आइए। फिर 1 फंदा बिना बुने ऐसे स्लिप करना है। फिर धागे को फिर पीछे लाना है। फिर 3 फंदा सीधा।
फिर से रिपीट करना है। धागा आगे की तरफ लाइए, एक फंदा बिना बुने से स्लिप करिए, फिर धागे पीछे लाना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे लाइए, फिर एक फंदा बिना बुने ऐसे स्लिप करना है, फिर धागे के पीछे लाना है, फिर तीन फंदा सीधा। थर्ड रो, एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच, फिर एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। धागा पीछे तरफ लाइए और दो फंदों का एक फंदा बनाना है, ये उल्टा फंदा ये सीधा फंदा दो का एक करना है आगे की साइड से। फिर धागा आगे, अब एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब इस फंदे इस उल्टा फंदा और स्लिप फंदा दो का एक करना है पीछे की साइड से। स्लिप फंदा किस तरह से पलटना है, फिर ये दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। धागा आगे, एक फंदा उल्टा। अब यही रिपीट करना है, ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है, दो फंदों को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से, एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर एक फंदा उल्टा। आपको ये चार फंदा रिपीट करते जाना है ये पूरी रो में। धागा पीछे, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से, फिर धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब दो फंदों को एक फंदा बनाना है, इस फंदे को इस तरह से पलटना है और ये उल्टा फंदा को लेना है, दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा। फिर से रिपीट करना है, धागा पीछे, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, इस फंदे को इस तरह से पलटना है, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा। फिर से रिपीट करना है, धागा पीछे, दो का एक करना है आगे की साइड से, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, इस फंदे को इस तरह से पलटना है, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। यहाँ तक आपको तीन डिजाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट का एज स्टिच उल्टा। फोर्थ रो, एक फंदा से स्लिप करिए, फिर एक फंदा सीधा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। धागा आगे की तरफ लाइए, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। आपको यही रिपीट करना है, ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, पूरी रो में यही करना है आपको। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा उल्टा। फिफ्थ रो, फिफ्थ रो, फिफ्थ रो सब उल्टा बुनना है। फिफ्थ रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सिक्स रो, सिक्स रो सब सीधा बुनना है। सिक्स रो सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए डिजाइन सिक्स रो का डिजाइन है, एक सिक्स रो रिपीट करते जाना है आपको बार बार, देन ऐसे डिजाइन बन के आएगा बुनने के बाद।
लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू।